स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो आज हम बनाएंगे चाय के साथ में खाने वाली नमकीन, तो वो मूंगफली का हम बनाएंगे, तो उसकी भी रेसिपी आप लोग शेयर करेंगे, तो बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पाव मूंगफली लिया है, तो पहले हम इसे भिगा देते हैं। तो इसे हम पहले भिगा देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसे रख देते हैं कुछ टाइम के लिए भिगाने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, हल्का सा, फिर इसे भिगाएंगे हम। तो इसे हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम पलटी कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला है इसमें से। तो इसे हम कुछ टाइम तक ऐसे रखेंगे ताकि इसमें का पानी अच्छे से निकल जाए, इसमें थोड़ा भी पानी न रहे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल्स में निकाल दिया इसे। तो यहाँ पे मैंने बेसन को लिया है, तो इसे मैंने चाल लिया है, इसमें डाल देते हैं हम। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जब कम पड़ेगा फिर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अरारोट लिया है कॉर्नफ्लोर, तो ये भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे भुग्गे मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, मतलब एक एक चम्मच है। तो नमक भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया, ये भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो हम हाथों से ही मिलाएंगे इसे। अगर आपके पास सारा रोट नहीं है तो आप चावल का आटा जो आता है वो भी डाल सकते हैं। तो हमें अच्छे से इसे मिलाना है। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया, गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम तेल डालते हैं रिफाइंड ऑयल लिए। तो तेल को भी हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं। तो हमें तेज आंच पे करना है, और जब हम डाल देंगे फिर स्लो कर देना है ताकि अंदर तक हमारा मूंगफली पक जाए। तो हम ऐसे ही इसी तरीके से इसे लाल कर देंगे अच्छे से, इसी तरीके से हमें लाल करना है। तो मूंगफली हमारा लाल होना स्टार्ट हो गया है, मूंगफली हमारा लाल हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारा हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी बार का मूंगफली हमने डाल दिया है, तो इसे भी लाल कर लेते हैं अच्छे से। हमारी मूंगफली बन के रेडी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दुकान पे भी मिलती है, जो ऐसी दिखती है, जो दिखने में ऐसी होती है, तो बच्चे लोग बहुत खाते हैं। तो हमने सोचा घर पे हम बना लेते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर लें, खाने में बहुत अच्छा लगता है।